हेलो दोस्तों, मैं संजीव अत्री आपका स्वागत करता है हमारे चैनल पहल क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसे करके आप रेलवे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा रेलवे में अगर आप हमारी सारी वीडियो देखेंगे तो। अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए लिंक पर आप जाकर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर साइंस साइंस की मैथ की बहुत अच्छी सी वीडियो मिलेगी, जीके की भी हर तरह की वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, लो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी है, ये होती है हमारी यकृत दोस्तों। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये पूछे सेकंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी वो होती है अमाशय, जो नीचे ऑप्शन है इसका अमाशय। चलो अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है? ये होता है रिलैक्सिन का। ये मनुष्य में मादा जनन अंग से होता है इसका स्रावण दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, मनुष्य ऐच्छिक गति और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? होता है सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम आपको पता ही होगा हमारे मस्तिष्क का पार्ट है। ये मस्तिष्क के हमारे तीन पार्ट है जो होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। और जो ये सेरिब्रम है इसका काम होता है, ये इसका एक तो काम ये इसने बता दिया ऐच्छिक गतियों पर नियंत्रण, और बहुत से काम होते हैं इसके। इसका और काम है बुद्धिमत्ता का काम, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ हो गया, ये ज्ञानवाणी, ये कुछ इसके काम होते हैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मस्तिष्क का। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला प्रश्न। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस ये भी हमारे ब्रेन का हिस्सा है, जो मैंने बताया था हमारा अगर मस्तिष्क होता है ब्रेन का पार्ट। अगर मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, उनमें एक होता थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। ठीक है दोस्तों, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कुट पाद के द्वारा। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? टाइलिन होता है दोस्तों, ये टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। ये श्वासोच्छ्वास ये होता है हमारा शरीर में श्वसन ग्रहण करने की प्रक्रिया। ऊर्जा उत्पन्न के लिए कोशिकाएं प्राप्त किसका उपयोग करती है? प्राय किसका प्रयोग करती है? वो करती है ग्लूकोज का प्रयोग करती है कोशिकाएं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? किससे? वो होती है विसरण के द्वारा। पौधों में जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो इसके द्वारा जाती है, विसरण के द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ये होती है विघटन। हमारा अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? वो होता है सुक्रोज। पहले ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज से सुक्रोज में फिर पौधे में खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं ये। ठीक है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है वो होता है 120/80। ये कैसे होता है 120/80? जो हमारी धमनियाँ और सिराएँ होती हैं उनमें होता है ये तापकरण। धमनियाँ हमारी कुछ मोटी होती है साइज में, साइज बड़ा होता है उनका, इसलिए उनके अंदर तो होता है 120 और सिराएँ के अंदर होता है 80। ठीक है, इसलिए 120/80 देते हैं, दो होते हैं धमनियाँ और सिराएँ में अलग अलग होता है ये। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ये होती है ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली, और ये पूछ ले कि मनुष्य के मस्तिष्क के चारों तरफ जो अस्थि या गोल होता है वो किस चीज़ का होता है? वो होता है क्रेनियम का। मस्तिष्क के चारों तरफ आठ हड्डियों का एक गोल बना होता है, वो क्रेनियम कहलाता है। ये पूछ रखा था इसने बाहरी झिल्ली कौन सी है, वो होती है ड्यूरामीटर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य सूंघने की क्षमता नियंत्रित करता है, ये करता है हमारा ऑप्शन बी है ये द्राणेन्द्रिय पाली। ये हमारी इंद्रिय आय होती है जो, वो होती है ये द्राणेन्द्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है,
बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? मैंने पहले भी बताया था आपको कि बुद्धि नियंत्रण करता है और ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है, वो होता है सेरिब्रम हमारा, ठीक है, मस्तिष्क का पार्ट है ये भी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन के कारण होती है वो रक्त की मात्रा, ठीक है दोस्तों। ये ग्लूकोज इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तब होता है। ऑक्सीजन है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, ये पूछ लिया इसने। ऑक्सीजन हम सोचते हैं एक गैस है, इनमें कोई गैस का ऑप्शन नहीं है, तो ये होती है एंजाइम होती है ऑक्सीजन, इसका आंसर होगा एंजाइम। जैव परक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ये सभी जैव परक्रम के अंदर आते हैं, जो जैव की प्रक्रिया होती है वो पोषण भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं और सांस भी लेते हैं, श्वसन भी करते हैं, इसका उत्तर आंसर होगा सभी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ये होता है मतलब हमारा पहला ऑप्शन देखो परजीवी, परजीवी कौन से होता है जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है स्वपोषी, स्वपोषी जो होते हैं वो स्वयं पर निर्भर करते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। और अगला आंसर है हमारा मृतजीवी, मृतजीवी हमारा आंसर है ये। ये क्या होता है मृतजीवी? जो मरे हुए जीवों पर निर्भर करते हैं, जो मरे हुए जीवों को, मरे हुए खाद्य पर कुछ भी जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो आपने देखा होगा कि जैसे मरी हुई चीज़ पर वो छत्ता सा बना लेते हैं जीव, वो गोबर छत्ता जैसा लगता है, वो गोबर छत्ता कहलाता है इसलिए वो, ठीक है दोस्तों। वो देखा होगा आपको मरे जीव के ऊपर ये एक तरह से झुंड बनाकर उसे खाते हैं, इसका आंसर होगा मृतजीवी। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल में समानता CO2 पाया जाता है, CO2 कितने परसेंट पाया जाता है? ये पाया जाता है 0.03%, ठीक है। और ऑक्सीजन पाया जाता है हमारा 21%, और नाइट्रोजन पाया जाता है लगभग 78%, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, क्योंकि ये रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों।